नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर हूँ तो आज हम बात कर रहे हैं अट्यूनमेंट की। अट्यूनमेंट रेकी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। रेकी कोर्स अगर अट्यूनमेंट ना हो तो इनकम्प्लीट रह जाता है, बिल्कुल अधूरा रह जाता है। आजकल ऐसे बहुत से ऑनलाइन कोर्सेस हैं जहाँ पर अट्यूनमेंट को इग्नोर किया जाता है, बट ये एक ट्रेडिशन है, ये एक रिचुअल है। इस रिचुअल के बिना हर रेकी कोर्स बिल्कुल अधूरा है, एकदम इनकम्प्लीट है। कि अट्यूनमेंट क्यों जरूरी है? जैसे एक पावर हाउस है, अगर किसी गांव में बिजली आती है और वो पावर हाउस वहां पर एस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन तब तक घरों में बिजली नहीं पहुंची है, उसका क्या कारण है? एक पावर हाउस है लेकिन घरों में वायरिंग नहीं है, तो वो बिजली आप अपने घर में लाकर यूटिलाइज नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए? आपको अपने घर की वायरिंग भी करानी पड़ेगी, और कितने किलोवाट आपको सैंक्शन होंगे, कैसे एनर्जी का फ्लो, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक आएगी, इन सब चीज़ों को डिसाइड कौन करेगा? एक इंजीनियर। आपको बहुत सारी परेशानियाँ हैं, हर काम में रुकावटें ही हैं, और हर चीज़ में अड़चन आ जाती है, आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है। तो एक नकारात्मक ऊर्जा आपकी बॉडी में घर कर चुकी है। इसे ठीक करने के लिए जब आप रेकी ज्वाइन करते हैं तो मास्टर अपनी पावर्स को आपके अंदर ट्रांसफर करता है। जिस तरह से एक पावर हाउस से अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, और वो एक्सपर्ट कौन होता है? एक इंजीनियर होता है। इसी तरह से अपने पूरे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए भी आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और वो एक्सपर्ट होता है रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर, जो अपने पावर हाउस से। रेकी ग्रैंड मास्टर कौन होगा? जिसने सालों तक अपनी ऊर्जा पर काम कर अपनी पावर्स को बढ़ाया होगा। वो सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो आपको एक प्रोसेस के थ्रू, इस अट्यूनमेंट के प्रोसेस के थ्रू आपके अंदर ट्रांसफर करता है। आपको एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। जिस तरह से एक बहती नदी का पानी और तेजी से बह रहा है, और उस नदी के आसपास का कोई तालाब सूख गया है, तालाब धीरे धीरे दलदल बन जाएगा। अब उस सूखे हुए तालाब को अगर पानी चाहिए, तो हम नदी और तालाब के बीच में एक नाली बनाकर वहाँ पर उस ऊर्जा को, उस पानी को फ्लो करा सकते हैं, एक कनेक्शन बना, तो उस बहती नदी से उस तालाब में पानी आ गया। इसी तरह से जब एक मास्टर अपनी चाहे तो अपनी सकारात्मक ऊर्जा को अपने शिष्य को ट्रांसफर कर सकता है। इसीलिए मास्टर अपनी एनर्जीज को जब ट्रांसफर करता है, उसे शक्ति पाठ कहते हैं, दीक्षा कहते हैं। दो चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं, एक मास्टर का पावरफुल होना, मास्टर का आशीर्वाद भी होना, और दूसरा शिष्य का रिसेप्टिव होना।